हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पारिजात गार्डन में। आज हम डेफिनबेगिया के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको इसको कट करके बताया था। ये हमारे बहुत ज़्यादा लंबे हो गए थे और इसके पत्ते भी बहुत ज़्यादा घने नहीं थे, इसीलिए हमने इसको कट कर दिया था। कट करके इसके ब्रांचेस को हमने कई जगह पे ग्रो कर दिया था, जिसमें से अब ये देखिए, ये ऊपर वाला हिस्सा था तो इसको हमने अलग मिट्टी में लगा दिया था। उसके बाद का रिजल्ट आप देख रहे हैं, कितना अच्छा प्लांट हो गया है और इसमें बहुत सारे पत्ते भी न्यू निकल गए हैं। वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। ये आपके घर के जो हवा होते हैं उनको प्योरीफाई करने में बहुत ही मदद करते हैं और ऑक्सीजन के लिए तो बहुत ही अच्छा है और देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। बस इनको आपको अपने बच्चों से थोड़ा बचाना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर इसके पत्ते को तोड़ देते हैं और हो सकता है मुंह में भी डाल दें तो बहुत ही रिस्क हो जाएगा। इसलिए छोटे बच्चों से इसको बचा के रखें। और इसके ये आप देख रहे हैं, यहाँ से हमने ये कट किया था, जिसका ऊपरी भाग ये है और इसका नीचे वाला हिस्सा ये है, जिसमें से ये साइड से न्यू ब्रांचेस निकले हैं। और इसमें देखिए आप कितने सुंदर और एकदम हेल्दी प्लांट निकलने लगे हैं। आप भी ऐसे कर सकते हैं, आप एक प्लांट से कई प्लांट आप कर सकते हैं इससे। इसको बहुत ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती है और कहीं भी आप इंडोर रख दीजिए, बहुत अच्छे से चल जाएंगे और देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब इसकी मिट्टी एकदम ड्राई हो जाए तब आप इसको थोड़ा सा पानी दे दीजिए, बहुत आसानी से बहुत ही अच्छे से ये चलते हैं प्लांट और बहुत ही सुंदर लगते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जिसने किया है सब्सक्राइब उसको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने हमारे वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालें तो आपके पास तुरंत पहुँच जाए, आप मिस ना करें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल जरूर बजाएं। थैंक यू।